IPL 2022 के लिए लगातार सभी IPL टीमों की तरफ से मेगा ऑक्शन से पहले आज के दिन के लिए सात बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उस पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में, जो कि KKR टीम की तरफ से, RCB की टीम की तरफ से, पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से जो भी खबरें निकल कर आ रही है उन सभी के बारे में। तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कहते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल रहा है दोस्तों मार्क वुड की तरफ से, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। इन्होंने IPL 2021 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम दिया था, लेकिन ऑक्शन के दो से तीन दिन पहले इन्होंने अपना नाम हटा लिया था, और इस बार भी दोस्तों इन्होंने मेगा ऑक्शन में नाम दिया है। और इस बार भी कंफर्म नहीं है इनका कि ये मेगा ऑक्शन में दिखाई देंगे या फिर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी तरफ से दोस्तों ये बताया जा रहा है बायो बबल से या फिर किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो अपना नाम मेगा ऑक्शन से हटा देंगे आने वाले समय में। और इस समय तो नीलामी नाम दे चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों ये नाम हटा भी सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पहली रिपोर्ट जो कि मार्क वुड की तरफ से। हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही दोस्तों KKR की टीम की तरफ से। दोस्तों KKR टीम में एक नया बॉलिंग कोच आ चुका है, जो कि दोस्तों इंडियन कोच भरत अरुण नाम है इनका, और ये बहुत ही अच्छे कोच नजर आएंगे KKR टीम के लिए, जो कि बॉलिंग कोच के तौर पर IPL 2022 में हमें KKR टीम में दिखाई देंगे। तो ऐसे में दोस्तों और भी टीमें कोचेस की तलाश में है, कहीं ना कहीं KKR टीम को बॉलिंग कोच मिल गया, पंजाब किंग्स की टीम को बहुत ही जल्द उनका असिस्टेंट कोच मिल जाएगा आने वाले समय में। दोस्तों आपका क्या मानना है, पंजाब किंग्स की टीम को किसको कोच बनाना चाहिए अपनी टीम में, आप अपनी राय कमेंट कर देना। हम बात करते हैं हमारी तीसरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल रहा है दोस्तों राशिद खान की तरफ से। राशिद खान पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि अहमदाबाद की टीम में जाएंगे, और अहमदाबाद की टीम दोस्तों इनको प्लेयर वन के तौर पर रखेगी या फिर प्लेयर टू के तौर पर, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये देखने लायक बात होगी कि प्लेयर वन मतलब कि दोस्तों 15 करोड़ में ये जाएंगे या फिर 11 करोड़ रुपए में जाने वाले हैं टीम में, ये अभी तक तय नहीं हुआ। जैसा कि दोस्तों बताया जा रहा है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा, तो लेकिन दोस्तों कप्तानी का जिम्मा उठाएंगे हार्दिक पांड्या, तो वो 15 करोड़ तो लगभग डिजर्व करते हैं अगर उनको कप्तान बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें 11 करोड़ में करामती खान मतलब कि दोस्तों राशिद खान दिखाई दे सकते हैं अहमदाबाद की टीम में, लेकिन आने वाले समय में कन्फर्म हो जाएगा कि ये 11 करोड़ में या फिर 15 करोड़ में जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपका क्या मानना है, 11 करोड़ में या फिर 15 करोड़ में कितने करोड़ में राशिद खान अहमदाबाद की टीम में जाना चाहिए, या फिर ये खिलाड़ी दोस्तों कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन में आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, इसमें आप अपनी राय कमेंट कर देना। हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है दोस्तों ट्रेंट बोल्ट की तरफ से। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट जो कि इन्होंने अब फाइनल कर दिया कि ये नीलामी का हिस्सा होंगे, और नीलामी में दोस्तों इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बीडिंग लगते हुए नजर आ सकती है। जैसा कि दोस्तों मिचेल स्टार्क भी नीलामी का हिस्सा होने वाले हैं, वो भी लेफ्ट आर्म पेसर है जो कि खतरनाक बॉलिंग करके दिखाएंगे, उसी तरह दोस्तों ट्रेंट बोल्ट भी स्टार्टिंग के ओवर में साथ साथ डेथ ओवर में भी बहुत ही अच्छा कर दिखा सकते हैं। और पिछले कुछ साल से दोस्तों इनका डेथ ओवर में बॉलिंग रिकॉर्ड T20 में बहुत ही बेहतरीन रहा है, तो ऐसे में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बीडिंग लगते हुए दिखाई दे सकती है। दोस्तों ये पावर प्ले के बॉलर के तौर पर किसी भी टीम में नहीं जाएंगे, ये डेथ ओवर और पावर प्ले दोनों ही तरफ अच्छी बॉलिंग करके दिखा सकते हैं, और ये करीबन दोस्तों 9 से 10 करोड़ आसानी से लेके जा सकते हैं। और RCB टीम इनको पिक करना चाहेगी अगर उनको दोस्तों मिचेल स्टार्क नहीं मिलते, या फिर पंजाब किंग्स की टीम को अगर मिचेल स्टार्क नहीं मिलते तो RCB की टीम में ट्रेंट बोल्ट जा सकते हैं, या फिर किसी और टीम में भी जा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बॉलर के ऑप्शन दिखाई देंगे हमें मेगा ऑक्शन में, पैट कमिंस, हेजलवुड, रबाडा, लुंगी एंगड़ी, ऐसे बहुत सारे विदेशी गेंदबाज हैं जो हमें दिखाई देंगे मेगा ऑक्शन में। साथ ही साथ इंडियन बॉलर्स भी दिखाई देंगे, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, जो कि बहुत ही अच्छा कर दिखा सकते हैं। तो ऐसे में अगर ट्रेंट बोल्ट किसी और टीम में चले जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर बहुत सारे बैकअप हैं टीमों के पास IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में। दोस्तों इसमें आपका क्या मानना है, ट्रेंट बोल्ट किस टीम में जाना चाहिए, RCB टीम में, पंजाब किंग्स की टीम में, KKR टीम में, आप अपनी राय कमेंट कर देना। हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि निकल रहा है दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के लिए। पंजाब किंग्स की टीम के को ओनर जो कि नेसवाड़िया, उनका बड़ा बयान आया, वो चाहते हैं कि IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में वो बड़े से बड़े खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करें। और साथ ही साथ दोस्तों जो कि इंडियन खिलाड़ी बहुत सारे यहाँ पर अब मेगा ऑक्शन में हमें दिखाई देने वाले हैं, जो कि दोस्तों अनकैप प्लेयर साथ ही साथ कैप प्लेयर जो कि इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं, वो सारे खिलाड़ी हमें दिखाई देंगे। उनमें से बेहतरीन खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर शामिल करना होगा पंजाब किंग्स की टीम को, ताकि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम मजबूत दिखाई दे सके। तो दोस्तों ये नेसवाड़िया का बयान था, जो कि बड़े खिलाड़ी साथ साथ अनकैप इंडियन खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ियों को ज्यादा भरोसा जताया जाएगा पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से मेगा ऑक्शन में। इसमें आपका क्या मानना, क्या पंजाब किंग्स की टीम को किस खिलाड़ी को अपनी टीम में टारगेट करना चाहिए, किस खिलाड़ी को IPL 2022 में पंजाब किंग्स की टीम के लिए कप्तानी करनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट कर देना। हम बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि निकल रहा है MS धोनी की तरफ से। दोस्तों MS धोनी चाहते हैं कि वो इस सीजन में कप्तानी करे, साथ ही साथ दोस्तों अगले सीजन के लिए कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पर रविंद्र जडेजा को देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे विकल्प रहेंगे दोस्तों कप्तानी के लिए, जो कि CSK में ये अगर कप्तानी करते हैं हमें बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देगा। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं हमें MS धोनी शायद रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाए या फिर दोस्तों वाइस कप्तान बना दे, ये अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बैकअप प्लान होगा CSK के लिए। दोस्तों इसमें आपका क्या मानना, क्या कप्तानी रविंद्र जडेजा कर पाएंगे या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट कर देना। हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर है दोस्तों IPL 2022 के वेन्यू को लेकर, जो कि दोस्तों अभी तक BCCI का प्लान पूरा तैयार है कि वो इंडिया में कहीं ना कहीं हमें IPL 2022 का सीजन कराना चाहती है। लेकिन अगर कुछ हद तक कहीं ना कहीं अगर कैंसिल होता है, IPL इंडिया में नहीं हो पाया, तो साउथ अफ्रीका को दोस्तों प्लान बी रखा जा रहा है, और UAE में दोस्तों नहीं जा पाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो दोस्तों टॉस जीतता है वो कहीं ना कहीं हमें मैच विन करते हुए दिखाई देता है, इस वजह से ये बड़ा कारण निकल कर आ रहा है।
यूएई वाली जो पिच है वहाँ पर दोस्तों जो भी टॉस जीत रहा है वो सीधा मैच जीत जा रहा है। लगभग दोस्तों 90% चांसेस है कि मैच वही जीत जाता है जो टॉस जीतता है। तो ऐसे में दोस्तों आईपीएल का कोई मजा नहीं रह जाएगा, कोई रोमांच नहीं रह जाएगा। इस वजह से दोस्तों साउथ अफ्रीका में जाया जा सकता है। और साउथ अफ्रीका में दोस्तों बायो बबल साथ ही साथ बहुत सारे अच्छी फैसिलिटी है, जो कि वहाँ पर बड़े होटल है, गार्डन है, जो कि वहाँ पर मेंटल प्रेशर किसी भी प्लेयर के ऊपर नहीं आएगा। देश विदेश के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने आते हैं तो उनके ऊपर दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। इस वजह से साउथ अफ्रीका में कराया जाएगा। प्लान बी के अनुसार साउथ अफ्रीका में दोस्तों आईपीएल 2022 का सीजन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों दिन भर की 7 बड़ी अपडेट। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जो कि आईपीएल 2022 के लिए साथ सभी टीमों के लिए निकल कर आती थी, उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।